अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो आज है बुध का दिन और अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं और मुझे 4 बजे ख्याल आया है कि आज आबिद भाई ने बुलाया था कि आज गाड़ी की सेटिंग वगैरह जो होनी है पेट्रोल की वो हो जाएगी। तो अभी बस जा रहे हैं, चलते हैं आबिद भाई के पास और क्या मसला है जो इसकी एवरेज इतनी ख़राब है। भाई एसी यहाँ पे चार है टनाटन, इसके बाद भाई गर्मी आज बहुत है, तकरीबन 41 डिग्री हुआ है आज। ये बस देखते हैं, अभी एटीएम जा रहे हैं, इसके बाद जाते हैं आबिद भाई के पास। अभी साथ कोई नहीं, अभी एटीएम से पहले घर जाना है, वहाँ से उठाना है हमने वहाज को, वो भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो बस देखते हैं क्या सीन बनता है, पहुँचते हैं बस अभी घर। ये वहाज भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनका हमने रेस्ट ख़राब किया है। और ये भाई हम लोग पहुँच गए शॉप पे, नहीं नहीं रेस्ट अंदर ही डालेंगे हम, क्यों रुके भाई पहले। अभी हम लोग गए हुए थे आबिद भाई के पास, लेकिन वो थे नहीं वर्कशॉप पे, वो गए हुए पिंडी काम शाम कराने के लिए अपनी गाड़ी का। तो अभी सीन ये है कि मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी का काम करा रहा हूँ, तो बस यहाँ से फ्री होते हैं, आबिद भाई को देखकर काम कराते हैं, अगर नहीं आए तो फिर घर जाते हैं, दोबारा रेस्ट करते हैं और फिर कल आएँगे उनके पास। भाई रात को कोशिश कर रहे थे हम इस गाड़ी को स्टार्ट करने की, जो बहुत बुरी तरह ट्रेन हुई। खैर अलबत्ता दिन बदल गया, बुध से जुमेरात हो गई है, लेकिन गाड़ी अभी तक सही नहीं आई। 10 बज रहे हैं, जा रहे हैं हम दोबारा गाड़ी चेक कराने के लिए। भाई दुआ करते हैं आज जो है आबिद भाई हों, वरना इस बंदे ने ना भाई तबाही फैल देनी। आज तकरीबन 9:30 बजे उठाया तुझे आज मैंने, अब देखते हैं। जा रहे हैं आबिद भाई के पास, और अगर किसी को ये लगता है ना कि डेली ब्लॉगिंग आसान काम है, भाई करके देखो, लग पता जाएगा भाई। और भाई ये लोग तो आए ही नहीं है अभी तक, ताला लगा हुआ है। अब जा रहे हैं हम वापस घर, इस बंदे ने बोला भी था कि कॉल कर लेना, बात है ना, पर क्या कर सकते हैं अब, कॉल तो मान लेंगे फिर कभी नेक्स्ट टाइम। किसी भी क्या बात हो गई, अम्मा जी ने पूरी लिस्ट बना के दी हुई है अभी चीज़ों की, अभी जाके वो लेते हैं। आबिद भाई के पास आ गए थे फिर, तो इन्होंने चेक की है गाड़ी, इन्होंने हमें एक नया कट्टा बता दिया कि भाई अब इसकी बटरफ्लाई चेक करानी है, तो अब जाएँगे वहाँ पर। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी और काम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, जो आबिद भाई ने फिर हमें काम बताया है वो हम करेंगे ईद के बाद, क्योंकि वहाँ पे रश बड़ा होना है और गर्मी बहुत है। तो अभी हम करा रहे हैं यूपीएस से, ये यूपीएस रखा है यहाँ पे, ये इसमें जा रहा है पानी, तो ये बस कराते हैं, जाके चेक कराते हैं कि मसला क्या कुछ है, क्योंकि भाई लाइट बहुत जा रही है, कुछ करना पड़ेगा।
तो भाई एक महीना हो गया तकरीबन इस एसी को चले हुए, और आज मैं पहली बार आया हूँ एसी वाले कमरे में। या आके मैंने एसी चलाया सही बताओ, घर वाले कुछ सुनने नहीं देते? नहीं है, वैसी बात भी नहीं है, लेकिन वैसे मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन भाई बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है भाई, 12 बजे, और भाई हमारी बस हो गई है सुबह से काम कर करके। अच्छा यार झूठ मत बोला करो। चलो, तुम्हारी नहीं होगी भाई, मेरी तो बस हो गई है, मैं और काम नहीं कर रहा। अब मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद, 12 बजे, और इफ्तारी के बाद मिलेंगे। भाई मैं तो वैसे मजाक में बोला था कि इफ्तारी के टाइम पे उठूँगा, ये तो असल में मैं इफ्तारी के टाइम पे उठ गया। तो अभी बस जाते हैं बाहर, जाके इफ्तारी वगैरह करते हैं। मैं ऐनक ढूंढ रहा हूँ, मुझे ऐनक की मेरी है तो वो बस मिलती है, फिर जाते हैं जाके बाहर इफ्तारी करते हैं। भाई इफ्तारी में आज हमारे पास थे पुलाव, इन्हें हैंडल वाली बोटी दी गई है। मोबाइल तेरे फोकस नहीं कर रहा भाई, अब बस खाना खाते हैं। करता हूँ, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।